खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। आज हम उन्नाव जनपद के सरोसी ब्लॉक के करोवन क्षेत्र में हैं, जहां पर मदरसा तालीम पर आज हम बात करेंगे यहां के प्रबंधक सिराज अली से। सिराज अली यहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं और ये मदरसा चलाते हैं। इस मदरसे की खासियत ये है, यहां पर सभी मजहबों के बच्चे पढ़ते हैं। जहां पर एक और हिंदू मुस्लिम ये चलता है, वहाँ पर हिंदू बच्चे भी इस मदरसे में साथ में तालीम पाते हैं। आज बात करेंगे हम मदरसा के प्रबंधक मोहम्मद सिराज जी से। आज उन्नाव जनपद के सरोसी ब्लॉक के करोवन क्षेत्र में मदरसा तालीम में हम यहाँ आए हैं, जहाँ पर सभी मजहबों के बच्चे पढ़ते हैं। ये आधुनिक मदरसा है और यहाँ पर आधुनिक मदरसा शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ के प्रबंधक मिस्टर सिराज अली हैं। मिस्टर सिराज से आज बात करेंगे कि आप इस मदरसे में किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर क्या सुविधाएँ हैं और किस तरह से आप इस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। मास्टर सिराज से बात करेंगे। हमारा नाम है सिराज अली और हम यहाँ करोवन में रहते हैं, उन्नाव जिले से हैं। आपका ये जो मदरसा तालीम है जी, ये आप कब से चला रहे हैं? ये करीब हमें हो गए 10 साल हो गए, 10 साल से हम चला रहे हैं। हमारा मकसद ये रहा है, हमारा इस मदरसा चलाने का, विद्यालय चलाने का कोई मकसद नहीं था और ना ही हम चलाना चाहते थे। हम एक दिन देखा कि बच्चे को एक माँ अपने मार रही थी कि हम आपको पढ़ा नहीं सकते इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और उससे कहने लगे जाइए काम पर जाइए। वो बच्चा रो रहा था कि हम स्कूल जाएंगे। उसी दिन हमने उसको देख लिया, हमारे मन में ख्याल आ गया कि अब हम विद्यालय डालेंगे। एक प्रेरणा मिल गई आपको उसी जगह से कि हम विद्यालय डालेंगे और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अच्छा, ये मदरसा जो आपका है जी, इसमें हिंदी अंग्रेजी जी, गणित ये सारे विषय पढ़ाए जाते हैं जी। तो ये आपका मदरसा किस व्यवस्था से चलता है? ये सरकार ने आर्डर कर दिया था कि जो मदरसे हैं, ये आधुनिकीकरण में जोड़ दिया था कि जो मदरसे ये हैं, ये हिंदी अंग्रेजी गणित सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। आधुनिक मदरसा कर दिया था, तो जब से ये बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। वैसे तो सरकार ने कहा था कि जो ये बिल्कुल हिंदी अंग्रेजी गणित पढ़ाएंगे उन्हीं को सुविधा दी जाएगी, बाकी मदरसों को मान्यता ही नहीं दी जाएगी। तो इस विद्यालय को आपके मान्यता भी मिल गई है जी। तो इस समय कितने बच्चे यहाँ पर तालीम पा रहे? बच्चे यहाँ पर करीब 300 से 350 करीब है बच्चा। 350 जी। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? बच्चा ये उन्नाव से आता है, अब्बासपुर से आते हैं, पूरा हमारा करोवन आता है बच्चा। काफी दूर दूर से आते हैं बच्चे यहाँ पर पढ़ने। ये स्कूल इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है। अगर कमजोर बच्चा भी है उसको मारा नहीं जाता है कि इसको मार के पढ़ाया जाए, उसको समझा के प्यार से उसको पढ़ाया जाता है। जैसे काफी देहात क्षेत्र है जी, तो ऐसे में गार्जियनों से और बच्चों में बड़ी कठिनाइयाँ आती है। बहुत कठिनाई आती, कोई फीस नहीं दे सकता, किताबों का खर्च नहीं उठा सकता है, तो उनके लिए सुविधा दी जाती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, विद्यालय मदद करता है। जी, विद्यालय मदद करेगा। कितने टीचर हैं लगभग आपके? टीचर यहाँ पर 12 टीचर। तो उनको जो वेतन है वो कहाँ से मिलता है? वेतन कुछ टीचरों को
तीन टीचर जैसे होती हैं तो उनको सरकार वेतन देती है, मगर सरकार करीब 4 साल से वेतन नहीं दिया है, नहीं नियमित हो पा रहा है, नहीं दिया है। और राज्य सरकार तो बराबर दे रही है। फिलहाल सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जैसे पोर्टल कर दिया, मदरसे को इंग्लिश मीडियम की तरीके प्राइमरी स्तर की तरीके चलना चाहिए, ये सुविधा कर दिया, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मगर सिर्फ वेतन रुका हुआ है, जो अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। सरकार तो समय से पैसा जारी कर देती है, पैसा जारी कर 8 साल को जारी कर दिया, बजट दे दिया, अब अधिकारी हैं उसमें कमियां निकाल देते हैं। बस अधिकारियों की कमी है, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा, अधिकारी जो है अभी भी उसमें समय से वेतन नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। सरकार का काम है बजट दे देना, अब अधिकारी उसमें लापरवाही करते हैं। तो आधुनिकीकरण मदरसा जो ये आपने बनाया है जी, इसमें सरकार से क्या बिल्डिंग के लिए ऐसी कोई सहायता प्राप्त हो पाती है? अभी कुछ 1 रुपया नहीं मिला है, कोई शासन सहयोग नहीं, कोई नहीं मिला। इसके बावजूद आपके इस विद्यालय में कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं, जरा कुछ विशेष है तो बताइए। बच्चे विकलांग भी हैं, बहुत कमजोर घर के हैं, और जिनको कुछ भी पढ़ना नहीं आता वैसे हैं, कक्षा 8 में पहुँच गए, 7 में पहुँच गए, कुछ पढ़ना नहीं आता है, उनको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो अन्य विद्यालयों से आते हैं? अन्य विद्यालय से आए हैं, तो उनको आप बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए जी, उनके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होती है? अलग से 1 घंटे का अलग ट्यूशन लगाते हैं, उनके लिए कंप्यूटर सेंटर भी खोला गया है कि उससे दिमाग बढ़े, बच्चों को मन लगे। तो कंप्यूटर सेंटर से खोलने से हमें बहुत फायदा हुआ है कि बच्चा ऐसे अगर क्लास में है तो पानी वाटर पीने जा रहा है, बाथरूम करने जा रहे हैं, मगर अगर कंप्यूटर का पीरियड लग गया तो बच्चा कहीं नहीं जाता, जब तक कंप्यूटर पूरा पढ़ नहीं लेगा, सीख नहीं लेगा। अच्छा, मतलब उसमें उत्साह ज्यादा है, ज्यादा खुशी, ज्यादा आकर्षण है जी। क्षेत्र में हमें पता चला, जैसा कि सभी धर्मों के, मतलब हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं जी, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे, कैसे क्या आप, कैसे रुझान आपके विद्यालय की ओर क्यों होता है उन लोगों का? देखिए, ये पहले होता था कि अब आदमी सब जागरूक हो गया है, सब इंटरनेट चला रहा है, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, अब किसी को बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। कि पहले डाक द्वारा अगर कोई लेटर आता तो आप तो एक सेकंड लगता है आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये चीज है, तो इससे ये सकल सूरत देख के आदमी नहीं एडमिशन कराता है। आज के दौर में शिक्षा चाहिए, चाहे वो जैसा शख्स हो। आज हमारे पास बच्चा है, अगर हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे तो उनके मोहल्ले का और बच्चा आ जाएगा, अगर हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो वो भी कट जाएगा। एक दूसरे को देख करके, देखकर अच्छी शिक्षा मिलेगा तो बच्चा आएगा स्कूल में, चाहे कोई सा विद्यालय हो, विद्यालय में आपकी शिक्षा को देख करके बच्चा आता है। किन किन गांवों से बच्चे आते हैं आपके यहाँ ज्यादातर? बहुत दूर दूर से आते हैं, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं लगा सकता है। हम ऐसे गाँव में है, ये सलेमपुर करवन बोला जाता है, हम पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे वहाँ उन्नाव का बच्चा पढ़ने आता है, उन्नाव शहर से। हाँ, कोई हम बादशाह तो है नहीं, कोई हम डीएम एसडीएम के लड़के तो है नहीं, हम बहुत मामूली घर से हैं, सिर्फ हमारी पढ़ाई देखकर बच्चा आता है। यहाँ पर पढ़ाई अच्छी मिलती है और यहाँ पर बच्चों की देख रेख बहुत होती है। हम खुद ही रास्ते में जाते हैं कि कोई दिक्कत ना आए, कोई आवारा जानवर घूम रहे, कहीं मार ना दे बच्चों को, सुरक्षित घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, जिम्मेदारी रखते हैं। 15 अगस्त आ रहा है, जिस पर आपकी क्या तैयारी है? हर 15 अगस्त हम बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, ऐतिहासिक रूप से मनाते हैं, और हमारे वहाँ के बच्चे एक से एक कार्यक्रम करते हैं, और सभी धर्म के कार्यक्रम हम कराते हैं। ऐसा नहीं कि राधा वाला डांस नहीं होगा, बस जितना भी कराते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कराते हैं कि मतलब पब्लिक को दिक्कत आए, किसी धर्म को नुकसान पहुंचे। हाँ, सभी धर्मों को साथ शिक्षा से ही लेकर वो कार्यक्रम कराते हैं। यहाँ टीचर भी, हमारे जितने भी टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मन लगा के पढ़ाते हैं, बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं, समय से आ जाते हैं विद्यालय, चाहे बारिश हो, और अगर उनको हम रोक लेते हैं कि 2 घंटे रुक जाओ, एक्स्ट्रा वो भी सभी लोग हम ही अकेले नहीं है कि हम ही अकेले मेहनत कर रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ इस तरीके से है जैसे लगता है एक परिवार है, सगा परिवार है। यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैसा हो या हिंदू, सब एक समान। अगर किसी पर दिक्कत आ गई, मान लिया कि सभी
सारे टीचर पूरे महीने तो आ नहीं सकता, कभी किसी बीमार है, अगर एक क्लास का टीचर नहीं आया तो एक दूसरे लोग उसकी हेल्प करते हैं कि ठीक है आप मत आइए, हम आपकी क्लास एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे होता है। क्षेत्र के लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को और क्षेत्र के जो गार्जियन हैं जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो उनको गार्जियनों को शिक्षा मिल रही है बच्चों को उनके, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहल्ले के बच्चे को एडमिशन कराएं ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो वेतन रुका हुआ है उनका जल्दी से जल्दी तनख्वाह जारी हो जाए। और सरकार ने कभी नया आर्डर किया है कि मदरसों में स्मार्ट क्लास की तैयारी हो जाए, उसके भी दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं। स्मार्ट क्लास होंगे, उनके लिए टीचर अलग रखी जाएगी कि बच्चे उसको अच्छी तरह से पढ़ के मॉडर्न हाईटेक पढ़ाई हो। मॉडर्न हाईटेक पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लासेस की तैयारी हो रही है, तो उसमें भी आपका विद्यालय जी आ रहा है, आपने उसके दस्तावेज जमा कर दिए। आपका स्कूल कुछ ही दिनों में स्मार्ट क्लासेस से हो जाएगा जी, बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी और अच्छा पढ़ेंगे। आप थे मिस्टर सिराज अली, जो करोवन में मदरसा तालीम विद्यालय चलाते हैं।